हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अर्थात आयकर प्राधिकारी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे जनरली स्टूडेंट्स बहुत ईजी वे में लेते हैं, लेकिन आप इसे पढ़कर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। आपके एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अब आप इसे पढ़ें। इस टॉपिक को हम जो है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद एक छोटा सा जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग हमारा पार्ट रह जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से ये अपील रहेगी कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो के दौरान अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठें। जैसे जैसे मैं आपको समझाते जाऊं, वैसे आप नोट डाउन करते जाएं स्लाइड्स के अकॉर्डिंग। वेदर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स जैसे जैसे वो समय समझा रही हूं आप लोगों को, उस तरीके से आप उसे लिखते चले जाएं, ठीक है। अगर मेरा कोई जिसमें नोट्स है वो कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, तो उसके साथ ही मैं आप स्टूडेंट्स के लिए उसे हिंदी में भी समझा रही हूं। इसलिए जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, जैसे जैसे मैं समझा रही हूं, वैसे वैसे आप उसको लिखते चले जाएं। और वीडियो को आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं, कि अगर जैसे आपके नोट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हुए, आपने पॉज कर लिया, देन आफ्टर आपने उसको प्ले कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जैसे जैसे आपको मैम समझा रही है वैसे वैसे आप अपने नोट्स कॉपी में उसे नोट डाउन कर लें। तो इसी तरह से ये वीडियो जो है वो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंटेंट भी इंग्लिश में अवेलेबल है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने उसको हिंदी में डिक्टेट किया है, हिंदी में बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है। इसीलिए आप जैसे मैं समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते जाएँ, ठीक है। सो नाउ हम क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हम बात करें भारत की, इन इंडिया एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने ही पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट दे रखी है, आया याद आप सबको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो हम बात कर रहे हैं उसी यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 जो है, इट इज़ एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिवाइड द टैक्स ऑन ऑल इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जो कि इस केंद्र सरकार को एम्पावर्ड करती है, मतलब सशक्त करती है कि वो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा अन्य किसी भी आय पर कर उद्ग्रहित कर सकती है, मतलब कर लगा सकती है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 82 जो है यूनियन लिस्ट की, वो केंद्र सरकार को एम्पावर्ड करती है, सशक्त करती है कि वो किसी भी आय को, कृषि आय को छोड़कर, किसी भी आय पर इन टैक्स लगा सकती है, लेवाई कर सकती है, ठीक है। द लॉ ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूड्स द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड एनुअल फाइनेंशियल एक्ट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑल्सो। देखिए, इनकम टैक्स लॉ की हम के कानून की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें हम शामिल कर सकते हैं आयकर अधिनियम 1961 है, आयकर जो नियम है 1962 के, वो इसमें शामिल होंगे, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। और जो CBDT है, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, ठीक है, यही तो रेगुलेट करता है सारे इन सब चीज़ों को, इनकम टैक्स को। तो जो CBDT है, उसके द्वारा समय समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो निकाले जाते हैं, वो भी लॉ ऑफ इनकम टैक्स है। और एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, जो वार्षिक वित्त अधिनियम आते हैं, वो भी लॉ ऑफ इनकम टैक्स में शामिल किए जाते हैं। और इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए गए जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, वो भी इसमें लॉ के रूप में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लिवाइड द इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटीज़ और एनी अदर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इनकम। टैक्स लिवाई इज रेगुलेटेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के बारे में, तो भारत सरकार जो है वो हर किसी की आय के ऊपर, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो या AOP हो, या फिर लोकल अथॉरिटी हो, या कोई भी एनी अदर कोई आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन हो, मतलब कोई भी कृत्रिम विधिक व्यक्ति हो, अगर उनको कोई आय होती है तो भारत सरकार उस आय के ऊपर कर उद्ग्रहित करती है। और टैक्स लिवाई यानी जो कर उद्ग्रहण संबंधी जो विधि है, वो कौन सी है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे इंडिया में, ओके।
देखिए, वेरियस अथॉरिटीज हैव बीन अरेंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बहुत सारे प्राधिकारी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो आयकर से संबंधित है इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, इसके प्रशासन से संबंधित अरेंजमेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो करती है वो प्रशासनिक प्राधिकारियों की भी नियुक्ति करती है और साथ के साथ इन्हीं के अंदर जुडिशियल अथॉरिटीज़ भी शामिल होती है, यानी कि न्यायिक प्राधिकारी भी जो है वो यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी के रूप में शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस टॉपिक का, क्लासेज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जिसकी हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 116, यानी कि धारा 116 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, धारा 116 किस बात के, क्या बताती है, वर्ग बताती है आयकर प्राधिकारियों के बारे में। तो वैसे जनरली आप लोग याद करने के नज़रिए से ध्यान रखिए, ये टोटल कितने हैं, 12, टोटल कितने हैं, ये 12 अथॉरिटीज़ हैं, इनको 12 उसमें बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। देखिए, मैंने यहाँ पर तो एक्ट के अनुसार नंबरिंग करी है, ए डबल ए बी बी ए, आप टेंशन ना लें, आप जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आइए हम इन क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट नेमली। अब देखिए, कौन कौन सी इनकम टैक्स अथॉरिटियाँ होगी इस अधिनियम के अनुसार, जो निम्नलिखित है। पहली ए पॉइंट, ये है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको बाद में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो बोर्ड के नाम से भी इसको कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपर अथॉरिटी है वो कौन है, CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, जिसका गठन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत किया गया है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो जो CBDT है वो किसके अंडर काम करती है, वित्त मंत्रालय के अधीन। क्लियर हो गई पहली अथॉरिटी, सबसे अपर अथॉरिटी क्लियर हो गई आप लोगों को। सेकंड जो है वो है प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि सेकंड जो होंगे CBDT के जस्ट नीचे वाले वो कौन कौन होंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होगा एक तो, या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स होंगे, सेकंड अथॉरिटी ये हो गई। थर्ड अथॉरिटी है बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, थर्ड अथॉरिटी ये हो गई। फोर्थ अथॉरिटी यानी कि बी ए पॉइंट, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इस प्रकार चार अथॉरिटी हमने पढ़ी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। आप ध्यान दे पा रहे हैं इसी पॉइंट पर, जो पांचवा पॉइंट है उस पर, तो वहाँ क्या लिखा है हमने, आगे तीन अथॉरिटीज़ की बात करी है हमने, पहले तो है डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड इज कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, तो ये अपील्स वाला है, है ना। इन्हें आप CIT और CIT अपील्स के नाम से भी जान सकते हैं। जो कॉलम हमने सी पॉइंट जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, इनको ही CIT कहते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कई केस लॉज जो आप पढ़ते हैं ना बुक में, वहाँ CIT लिखा होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल अजय कुमार वर्सेस CIT, तो CIT मीन्स कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ठीक है, और ये जो अपील्स वाले हैं ना, ये जो हम आगे पढ़ेंगे और ये पढ़ रहे हैं, जुडिशियल अथॉरिटी है। क्लियर, जो अपील संबंधी मामले देखते हैं। नेक्स्ट डबल सी, एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ध्यान दें, दोबारा अपील्स वाला मैटर आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी जुडिशियल अथॉरिटी होगी जो अपील्स है। फिर डबल सी ए नेक्स्ट पॉइंट है, जॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स। फिर कौन होता है इनके अंडर, सॉरी, जॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स होते हैं या फिर जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। डी पॉइंट, डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, ये भी अपील वाला होता है। देखो, तो तीन इस प्रकार जो हमने हायरार्की पढ़ रहे हैं ना, 12 लोगों की, जो 12 प्राधिकारी पढ़ रहे हैं उसमें से तीन प्राधिकारी तो अपील वाले हैं, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटीज़ भी है इसमें शामिल। ठीक है, ई पॉइंट, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, अब इनके नीचे कौन होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स के नीचे कौन हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर तो थे प्रिंसिपल डायरेक्टर, फिर थे डायरेक्टर्स, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर्स, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स एंड फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स। इस तरह से आप सीरीज बना लें, ये आपको इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है,
असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, ये इसके नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जस्टिस के नीचे एफ पॉइंट, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, जिसको ITO कहा जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। जी पॉइंट, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, ठीक है ना, जो टैक्स की रिकवरी करते हैं वो ऑफिसर्स। फिर इसके बाद सबसे नीचे श्रेणी में होते हैं इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये हो गए इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, ये 12 जो है ना प्राधिकारी पढ़े हमने, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पढ़ी हमने सेक्शन 116 में। तो इस तरह से इनकी हायरार्की हो गई। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दी है नीचे रिमेंबर करके, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, बट इट इज़ नॉट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। ध्यान रखिए कि ITAT जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, इट इज़ सेपरेट अथॉरिटी एंड ऑल्सो एन अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है और सेपरेट अथॉरिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं एक चीज़ और एक आपको बताना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि हम लोगों ने जो पॉइंट नंबर आप देखिए डबल सी यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर के पॉइंट से लेकर 10 नंबर तक के जो पॉइंट्स हैं यानी कि डबल सी से लेकर एफ तक का जो पॉइंट है एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, वहाँ से लेकर इनकम टैक्स ऑफिसर्स यानी कि ITO तक का जो पॉइंट है, ये जो 5 पोस्टें हैं ये कहलाती है असेसिंग ऑफिसर्स। क्या कहलाती है? असेसिंग ऑफिसर्स कहलाती है, ओके। सो पॉइंट नंबर डबल सी टू पॉइंट नंबर एफ, दीज 5 पोस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड असेसिंग ऑफिसर्स, AO जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं आगे, हमने सेक्शन 116 देख लिया, अब हम बात करेंगे सेक्शन 117 की। सेक्शन 117 क्लोज सबसेक्शन 1 इज अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू बी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जो केंद्र सरकार है जैसा केंद्र सरकार को उचित लगता है वो जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करेगी, जो भी उसको गजेटेड नोटिफिकेशन देना है उसके थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हुआ इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंट कौन कर रहा है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। अब बात करें कि उनके कंट्रोल के बारे में, कि उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, उनका सुपरविजन कौन करेगा, तो इस बारे में है आपका सेक्शन 118, सेक्शन 118, ओके। इट इज़ रिगार्डिंग कंट्रोल ऑन वेरियस अथॉरिटीज़, विभिन्न प्राधिकारियों के ऊपर नियंत्रण या विभिन्न प्राधिकारियों के नियंत्रण से संबंधित। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन सभी इनकम टैक्स प्राधिकारियों पर, जो आयकर प्राधिकारी है उन सब पर नियंत्रण रखने का काम करती है CBDT, ओके, जो अभी हमने पहले पढ़ी थी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो CBDT का कंट्रोल होता है वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं कि सेक्शन 118 क्या कहता है। इट प्रोवाइड्स दैट द CBDT मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। यानी कि 118 कहता है कि जो CBDT है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा यानी कि राजपत्रित सूचना द्वारा या समय समय पर इनकम टैक्स प्राधिकारियों को निर्देश करेगी कि कौन सा प्राधिकारी जो है किस प्राधिकारी के अधीनस्थ काम करेगा, ठीक है, और जो अधीनस्थता है वो नोटिफिकेशन में बता दी जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से CBDT जो है वो कंट्रोल रखती है सभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर, क्लियर। नाउ अब हम लोग पढ़कर आ चुके हैं 116, 117 एंड 118। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट इज़ सेक्शन 119, पावर्स ऑफ CBDT। अब हम केवल CBDT की पावर्स की बात कर रहे हैं, है ना, आगे हम हमारे लेक्चर में और भी पावर्स की बात करेंगे, जो हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर। तो चूंकि CBDT जो है वो अपर इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सबसे ऊपर ऊपरी जो प्राधिकारी है ना, सबसे पावरफुल जिसे आप कह सकते हो, तो सबसे पहले हम उसकी पावर्स की बात करते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारी पावर्स है CBDT की, आपको काफ़ी सारी मिल भी जाएगी बुक में, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पावर्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं आप इन पर ध्यान दें। फर्स्ट इज पावर टू मेक रूल्स। देखिए CBDT कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो नियमों का निर्माण कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो नियम बनाने की शक्ति रखता है कि किस तरह से इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जाए। सेकेंड इज
टू इशू इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश जारी करने की शक्ति। द बोर्ड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिए बच्चों बोर्ड से यहाँ मतलब है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, ठीक है ना। द बोर्ड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस टू ऑल ऑफिसर्स एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है बोर्ड, तो किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है बोर्ड, समय समय पर चाहे जो जो इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है, ऐसे ऑर्डर्स ऐसे इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस मतलब किसी भी प्रकार का आदेश है निर्देश है ये बोर्ड द्वारा इशू किए जा सकते हैं उन ऑफिसर्स और उन व्यक्तियों को, मतलब उन अधिकारियों और उन व्यक्तियों को जो कि इस अधिनियम के तहत जिनको कोई कार्य सौंपा गया है उनके लिए वो क्या कर सकते हैं समय समय पर आदेश या निर्देश जो है वो बोर्ड जो है इशू कर सकता है जारी कर सकता है। देखिए ये तो हुई उस बोर्ड की इंस्ट्रक्शन जारी करने की पावर, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आगे दिख रही है वो ये है कि लेकिन बोर्ड क्या नहीं कर सकता। देखिए ये जो है वो नेगेटिव सेंस में है कि बोर्ड तो इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स डायरेक्शंस तो इशू कर सकता है लेकिन बोर्ड क्या नहीं कर सकता। तो बोर्ड देखो स्टूडेंट से दो काम बेटा नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बट नो सच ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन शैल बी इशूड सो एज टू इंटरफेयर विद द डिस्क्रिशन ऑफ कमिश्नर अपील्स इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट फंक्शंस। यानी कि CBDT जो कमिश्नर अपील है, कमिश्नर अपील मैंने आपको पहले अभी जब 116 में हमने पढ़ा था श्रेणी जब पढ़ी थी हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की, तो मैंने बताया था कि वो जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उसकी विवेक की शक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने संबंधी CBDT जो है किसी भी प्रकार का आदेश या निर्देश नहीं दे सकती, उसकी अपनी डिस्क्रिशन पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। दूसरी सो एज टू रिक्वायर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और डिस्पोज ऑफ ए पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। अर्थात किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को किसी पर्टिकुलर मामले को किस तरह से डिस्पोज करना है ये CBDT नहीं बता सकती। देखिए CBDT जो है केवल जनरल ऑर्डर्स इशू कर सकती है, यानी कि जैसे मान लीजिए क्लास ऑफ केसेस के लिए कि पर्टिकुलर मामले किस तरह अपनाए जाएं, लेकिन कोई सॉरी मतलब पर्टिकुलर क्लास के मामले किस तरह अपनाए जाए ना, कोई विशेष वर्गों के मामले किस तरह अपनाए जाए, विशेष समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पर्सनल व्यक्ति के मामले को कैसे निपटाया जाए ये CBDT जो है वो असेसिंग ऑफिसर्स यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी को बता नहीं सकती कि आपको इस तरह से ये मैटर अपनाना है, ये CBDT का काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पावर टू रिलैक्स मैंडेटरी प्रोविजंस, यानी कि उपबंधों में शिथिलता देने की शक्ति। देखिए CBDT जो है वो ये तो नहीं बता सकती जैसा हमने पहले पढ़ा कि पर्टिकुलर किसी मामले को कैसे निपटाओ, है ना, वो क्लासेस ऑफ केसेस के बारे में जरूर बता सकती है लेकिन किसी पर्टिकुलर केस को लेकर कुछ बात नहीं कर सकती, वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती। लेकिन CBDT के पास पावर है कि जो प्रोविजंस हैं जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जो आदेशात्मक उपबंध हैं उनमें जरूर CBDT जो है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है, यानी कि उनमें जो है शिथिलता या रिलैक्सेशन दे सकती है असेसी को। CBDT रिलैक्सेशन दे सकती है, जैसे कैसे कैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे आपके सामने, जैसे TDS से रिलेटेड है, TCS से रिलेटेड है, या एडवांस टैक्स की एप्लीकेशन रिसीव करने के से रिलेटेड है, तो ये अथॉरिटीज़ को कह सकती है इन सब के बारे में, ठीक है, कि आप इसमें रिलैक्सेशन दें असेसीज को, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलैक्सेशन दे सकती है। नेक्स्ट पावर टू गिव रिलैक्सेशन द प्रोविजंस ऑफ चार्ज ऑफ, देखिए हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हर इनकम के हेड में कौन कौन सी संपत्तियों को भारित किया जाएगा अर्थात किन किन संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जिन संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाना है उनके संबंध में भी रिलैक्सेशन दे सकती है CBDT, जैसे कि डिडक्शन से संबंधित हुआ, ठीक है ना, डिडक्शन से संबंधित हुआ कि किन किन चीज़ों पर आपको आप चार्जिंग ऑफ नहीं करोगे, TDS का रिलैक्सेशन हुआ, TCS का हुआ, एडवांस टैक्स का हुआ, रिटर्न्स ऑन इनकम फर्निशिंग का, इन सब आदि ये सब जो है इन सब में रिलैक्सेशन देने की शक्ति जो है वो किसके पास है CBDT के पास, ओके। नेक्स्ट पावर टू एडमिट बिलेटेड रिफंड एप्लीकेशंस, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। नेक्स्ट पावर टू एडमिट बिलेटेड रिफंड एप्लीकेशंस, यानी कि देखिए कोई रिफंड एप्लीकेशंस जो बहुत देर से आई है उनको भी स्वीकार करने की अनुमति जो है वो CBDT दे सकती है, ठीक है ना। यानी कि CBDT जो भी कार्य करती है वो कैसे करेगी, लिबरल होकर करेगी, उदारतापूर्ण करेगी, कठोरतापूर्ण तरीके से लागू नहीं करेगी,
ठीक है, जैसे किस तरह से करेगी, टू अवॉइड जिनाइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, यानी कि बिल्कुल भी कठोरता नहीं अपनानी है किसी केस में या किसी क्लासेस ऑफ केस में। टैक्सेशन लॉज जो है वैसे भी लिबरल तरीके से ही इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, ये आप इंटरप्रिटेशन में भी देखेंगे। नेक्स्ट इज रिसीव एनी क्लेम रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिफंड्स और एनी रिलीफ्स एटसेट्रा। अगर मान लीजिए कोई दावा आया है, कोई क्लेम आया है जो कोई छूट चाहता है, मान लीजिए कोई करदाता जो है किसी प्रकार का एग्जेम्पशन चाहता है, कोई कटौती चाहता है या रिफंड चाहता है, रिलीफ चाहता है, तो इससे संबंधित जो एप्लीकेशंस होगी वो भी एडमिट करने की पावर यानी कि स्वीकृत करने की शक्ति जो है वो CBDT के पास है। नेक्स्ट इज पावर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग असेसीज, यानी कि निर्धारित से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका प्रकटीकरण करने की शक्ति भी CBDT के पास है, ठीक है। तो इस तरह से CBDT के पास ये मेन पावर्स हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखी CBDT के पास ये 6 मेन पावर्स तो हमने देखी, बाकी तो बहुत सारी पावर्स है, बाकी मेनली ये 6 पावर्स है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे देखते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 127, पावर टू ट्रांसफ़र केसेस। तो पावर टू ट्रांसफ़र केसेस में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, आपने जो सेक्शन 116 में मैंने आपको जो हायरार्की पढ़ाई है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की, उसमें पॉइंट नंबर ए से लेकर सी, देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पर, पॉइंट नंबर ए से लेकर सी यानी कि टोटल 5 जो अपर अथॉरिटीज़ हैव पावर टू ट्रांसफ़र द केसेस फ्रॉम वन असेसिंग ऑफिसर टू अनादर। उन पांचों के पास पावर है कि वो एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को केसेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये असेसिंग ऑफिसर कौन 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 से हैं, जो आपके डबल सी से लेकर जो नीचे आपके एच तक, जो बाकी मतलब जो पूरे हैं वो कंप्लीट आपके असेसिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो उनको जैसे मैंने आपको लिखवाया अभी तक, इनको AO या असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, तो ये कंप्लीट जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं इनको केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक AO का केस दूसरे AO को दिया जा सकता है, क्लियर। दीज अपर 127 क्या कहता है, देखिए, दीज अपर अथॉरिटीज मे आफ्टर गिविंग द असेसी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड वेयर एवर पॉसिबल टू डू सो। देखिए जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक ये जो अपर अथॉरिटीज़ है, ये जो पांचों अपर अथॉरिटीज़ पढ़ी है हमने 116 में, अगर इन जो भी इनमें से कोई एक जो कार्य कर रही है वो असेसी को यानी कि जो करदाता है निर्धारित ही है उसको कारण बताते हुए उसको सुनवाई का अधिकार उपलब्ध कराएगी, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस कारण बताएगी कि हम आपका मामला इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक AO से दूसरे को, ट्रांसफ़र एनी केस फ्रॉम वन असेसिंग ऑफिसर टू एनी अदर असेसिंग ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। यानी कि यहाँ पर दो काम मेनली करने हैं, एक तो रीजंस रिकॉर्ड करने हैं यानी कि कारण बताने हैं आपको असेसी को, ये जो अपर अथॉरिटीज़ एक कारण बताएगी, और दूसरा उस असेसी को सुनवाई का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा, ये सेक्शन 127 कहता है। आगे सेक्शन 127 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, ये कहता है कि नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नीड बी गिवन टू असेसी इफ़ द केस इज ट्रांसफर्ड बिटवीन असेसिंग ऑफिसर्स विद इन द सेम सिटी और लोकेलिटी। यानी कि सुनवाई का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता उस समय नहीं होगी जब जिस केस को एक AO से दूसरे AO को ट्रांसफ़र कराया जा रहा है, तो जो दूसरा AO है जिसे केस ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो उसी सेम सिटी या सेम लोकेलिटी में रहने वाला हो या वहीं का हो, ठीक है। तो फिर वहाँ पर उसको सुनवाई का अधिकार देने, निर्धारित को सुनवाई का अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांसफ़र ऑफ ए केस मे बी मेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि मामले का जो हस्तांतरण है, मामले का जो ट्रांसफ़र है एक AO से दूसरे AO को, वो कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। तो ये जो था आपका, इट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 127, ये सभी जो बातें थी ये धारा 127 से संबंधित थी। आगे हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 129। सेक्शन 129 है चेंज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में, यानी कि आयकर प्राधिकारी को परिवर्तित कर देने के संबंध में, जो बताता है आपको, व्हेनेवर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी सीजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन एंड इट इज सक्सीडेड बाय अनादर। देखिए जब एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के प्राधिकार को, उसके ज्यूरिसडिक्शन को समाप्त करके उसके ज्यूरिसडिक्शन को किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अन्य को सक्सीड कर दिया जाता है, अन्य को दे दिया जाता है, मतलब एक आयकर प्राधिकारी अभी तक आपका मामला देख रहा है, अब दूसरा आयकर प्राधिकारी आपका मामला देखेगा, द इनकम टैक्स अथॉरिटी मे कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द स्टेज एट विच द प्रोसीडिंग वॉज लेफ्ट बाय हिज प्रीडिसेसर। यानी कि तो जो अगला वाला जो नेक्स्ट जो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी जो मामला देखेगा वो कहाँ से मामला देखेगा,
किस स्टेज से मामला देखना शुरू करेगा? तो सेक्शन 129 उसका जवाब देता है कि फ्रॉम द स्टेज एट विच द प्रोसीडिंग वॉज लेफ्ट बाय हिज प्रेडिसेसर, यानी कि जो उसके पूर्व वाले इनकम टैक्स अथॉरिटी ने वो जो मामला जहाँ से छोड़ा है वहाँ से वो उसके आगे से उस मामले को देखना शुरू करेगा, वहाँ से प्रोसीडिंग शुरू करेगा, मतलब पहले की कोई कार्यवाही वो नहीं देखेगा। लेकिन देखिए इसी में साथ में एक बहुत अच्छी बात दे रखी है, वो ये है कि बट वेयर द असेसी कंसर्न्ड में डिमांड दैट बिफोर द प्रोसीडिंग इज सो कंटिन्यू द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स और एनी पार्ट देयर ऑफ बी रीओपन्ड और रीहर्ड बिफोर पासिंग एनी असेसमेंट ऑर्डर। यानी कि देखिए एक चीज़ तो ये आप लोगों को और मेरे को अच्छे से अपन को अच्छे समझ में भी आती है कि अगर मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी, जैसे अभी हमने 127 में भी देखा था, अगर ये असेसिंग ऑफिसर्स वगैरह या अथॉरिटी वगैरह ये सब चेंज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका नुकसान किसे होता है? असेसी को होता है। तो इसलिए असेसी को सुनवाई का अधिकार देना जरूरी है, जो भी हम ऊपर पढ़ कर आए थे। और दूसरी चीज़ रही बात कार्यवाही शुरू करने की, तो कार्यवाही अगर वहीं से शुरू की जाएगी जो कि पिछला ऑफिसर छोड़ कर गया है, तो हो सकता है एसएससी को नुकसान होने की संभावना हो। इसीलिए एसएससी को 129 में अपॉर्चुनिटी गिवन की गई है कि वो जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के समक्ष जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है, अपनी डिमांड कर सकता है इस बात की कि वो एक बार पूरी प्रोसीडिंग्स को, पिछली प्रोसीडिंग्स को या फिर उसके किसी भाग को दोबारा से रीओपन करें और दोबारा से उसको सुने या दोबारा से उसे शुरू से असेस करें, ठीक है, ताकि उसके किसी अधिकार का उल्लंघन ना हो, ताकि उससे कोई नुकसान ना हो, तो ऐसा वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो सेक्शन 119 और 127 एंड 129 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर का अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जैसे हमने पावर्स ऑफ CBDT पढ़ी थी, उसी तरह से हम बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। अन्य जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या क्या पावर्स हैं, उनकी पावर्स जो है वो आपकी दे रखी है सेक्शन 131 से लेकर 138 में। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसमें वीडियो में डाली है। फर्स्ट इज़ पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि जो पहली पावर सेक्शन 131 में है वो है साक्ष्य की खोज और उसके प्रस्तुतिकरण आदि से संबंधित, ठीक है। तो सेक्शन 131 इसके बारे में बताता है। अब देखिए किस किस को ये पावर है जो आपको सामने देख पा रहे हैं, द असेसिंग ऑफिसर यानी कि AO, डिप्टी कमिश्नर अपील्स, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड चीफ कमिश्नर्स एंड द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल DRP। देखिए ये जो ऊपर अथॉरिटीज़ लिखी है ये तो अथॉरिटीज़ है ही है, इन अथॉरिटीज़ के पास तो पावर है ही, इसके अलावा DRP के पास भी पावर है। DRP मीन्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जिसके बारे में सेक्शन 144C के सब सेक्शन 15 के क्लोज ए में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, इस DRP के बारे में। तो इनको भी ये पावर है, इन अथॉरिटीज़ के साथ में। शेल हैव पावर्स वेस्टेड इन अ कोर्ट अंडर द CPC 1908, यानी कि CPC 1908 में जो न्यायालय की शक्तियाँ है वही शक्तियाँ इन सभी अथॉरिटीज़ की जो यहाँ मेंशन की गई है, इनके साथ में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल होता है उसकी भी ये शक्तियाँ हैं कि वो एक सामान्य कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह उसके पास भी पावर्स है। कौन कौन सी पावर्स है तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है ABCND, यानी कि पहला पावर है इनके पास डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, यानी कि खोज एवं निरीक्षण करने की शक्ति इनके पास है। बी एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर और बैंकिंग कंपनी एंड एग्जामिनिंग सच पर्सन ऑन ओथ, देखो साक्ष्य हेतु किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए विवश कर सकते हैं तथा शपथ पर भी उसका परीक्षण कर सकते हैं, ये इनको अधिकार होता है न्यायालय, सिविल न्यायालय की तरह ही। सी कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु विवश करना, उनको कंपेल कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। डी इशूइंग कमीशंस कॉलिंग विटनेसेस टू अपीयर, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, कंडक्ट इंक्वायरी एटसेट्रा, यानी कि कमीशन जारी कर सकते हैं, चाहे वो साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए हो, चाहे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हो, चाहे पूछताछ करने के लिए हो, कमीशन को जारी या नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
इसी में आगे हैं आपकी, इसी पावर में, यानी कि जो हम लोग फर्स्ट पावर बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग आगे, ये पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, अब इसी में आगे क्या क्या कर सकते हैं ये तो देखिए। यहाँ मैंने अथॉरिटीज़ का नाम भी मेंशन कर दिया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एनी ऑथोराइज ऑफिसर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज कैन एक्सरसाइज द अबाउ पावर्स इफ ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट एनी इनकम हैज बीन कंसील्ड। देखिए ये जो अथॉरिटीज़ है इनमें से किसी को भी अगर ये शक हो जाता है कि किसी आय को छुपाया गया है, मतलब असेसी ने किसी आय को छुपाया है और इज़ लाइकली टू बी कंसील्ड बाय एनी पर्सन, या छुपाने का प्रयास किया गया है, इवन थ्रो नो प्रोसीडिंग्स विद रेस्पेक्ट टू सच पर्सन आर पेंडिंग, अगर उसकी कोई प्रोसीडिंग यहाँ पेंडिंग नहीं है बिफोर हिम और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि अगर इन अथॉरिटीज़ के सामने भले ही कोई मामला पेंडिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, और लेकिन इनको फिर भी अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि उस व्यक्ति ने अपनी आय को कंसील किया है, मतलब अपनी इनकम को छिपाया है, तो भी वो जो है ऊपर बताई गई, जो हमने भी पढ़ी ना कि सिविल कोर्ट की क्या की तरह क्या क्या पावर्स हैं इनके पास में, तो ऊपर बताई गई इन पावर्स का यूज़ फिर भी वो कर सकते हैं, मतलब रीज़न टू सस्पेक्ट होना चाहिए उनके पास बस, ठीक है। थर्ड इज एनी सच इनकम टैक्स अथॉरिटी मे इम्पाउंड और रिटेन इन हिज कस्टडी एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर सच पीरियड एज ही थिंग्स फिट। अर्थात जो सक्षम प्राधिकारी है, यानी जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है, द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत की गई लेखा पुस्तक को, जो भी उसके सामने लेखा पुस्तक आई है, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं आदि को, उतने समय तक अपनी अभिरक्षा में ना रिटेन करके रख सकता है, अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा जितने समय तक के लिए उसको ज़रूरी लगे, एज ही थिंग्स फिट। जो भी अर्थात जो भी लेखा पुस्तक के दस्तावेज उसके सामने आए हैं वो उसे अपनी अभिरक्षा में रख सकता है जितने समय के लिए वो ज़रूरी समझे। लेकिन देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि महानिदेशक, जो हमने पढ़ा था अभी ऊपर, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, आयुक्त या निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, मतलब विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ दीज अथॉरिटीज़, ऐसी लेखा पुस्तकों को या डॉक्यूमेंट्स को 15 दिन से अधिक के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकेगा। अगर वो 15 दिन से अधिक के लिए अपनी कस्टडी में रखना चाहता है इन डॉक्यूमेंट्स को, तो उसको महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या निदेशक, इनसे पूर्व अनुमोदन, इनके लिए इनका जो अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सिर्फ 15 दिन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी अभिरक्षा के कारणों को लेखबद्ध करना होगा, यानी कि जो अपने पास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, उसको रीजंस भी रिकॉर्डेड करने होंगे, रीजंस उसको बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पावर इस सर्च एंड सीजर, तो पहली पावर तो हमने ये पढ़ी थी जो पावर्स रिगार्डिंग डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा के बारे में थी, वो हमारे अब ख़त्म हुई है। अब हम सेकंड पावर की बात करते हैं जो बात करती है तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, यानी कि सर्च एंड सीजर, ठीक है। द इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसर्न मस्ट हैव रीजन टू बिलीव इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन हिज पोजिशन दैट, अब देखिए अपने सेक्शन 132 के तहत जो है आयकर प्राधिकारी अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या क्या कार्य कर सकता है। देखिए अब वो अपने इन शक्ति 132 के तहत जो उसको सर्च एंड सीजर से संबंधित, यानी कि वो कहीं पर भी जैसे किसी प्लेस में जा रहा है तो वहाँ पर वो सर्च कर सकता है, यानी कि तलाशी ले सकता है, सीज कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो उससे संबंधित उसे क्या क्या पावर्स है वो देखते हैं हम लोग सेक्शन 132 के अंडर। फर्स्ट इज ए पॉइंट, any person to whom summons has been issued to produce or cause to be produced any books of account or other documents has omitted or failed to produce or cause to be produced such books of accounts or other documents। तो देखिए यहां पर अब देखिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है, मतलब must have reason to believe इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन हिज पोजिशन दैट, अगर उसको ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ये देखिए अगर उसको ऐसा विश्वास करने का कारण है कि एनी पर्सन टू हुम समन्स हैज बीन इशूड टू प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स हैज ओमिटेड और फेल टू प्रोड्यूस,
हैज़ ओमिटेड और फेल टू प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे मान उसने जिसको समन किया है, अथॉरिटी ने जिसको समन किया है, वो व्यक्ति ना तो न्यायालय के समक्ष आया या तो खुद नहीं आया, और अगर वो खुद आया भी है तो उसने वो अकाउंट्स बुक जो उससे मंगाई गई थी उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसने मना कर दिया, या फिर वो प्रोड्यूस करने में असफल रहा, यानी कि न्यायालय के समक्ष उसने उन दस्तावेजों या उन लेखा पुस्तकों को प्रोड्यूस नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि एनी पर्सन टू होम समन्स नोटिस एज अफोरसेड हैज़ बीन और माइट बी इशूड विल नॉट प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, ना वो ऐसे जो दस्तावेज है जिस व्यक्ति को समन किया गया कि आपको ये दस्तावेज लाने हैं या आपको ये लेखा पुस्तकें लानी है, तो वो लेखा पुस्तकें या वो दस्तावेज नहीं लाएगा, विल नॉट प्रोड्यूस विच विल बी यू, और ध्यान रखिए विच विल बी यूजफुल फॉर और रिलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, और ऐसी लेखा पुस्तकें या ऐसे दस्तावेज जो हैं वो इस अधिनियम के प्रोसीडिंग्स के लिए, इस अधिनियम के तहत प्रक्रिया किए जाने के लिए अति आवश्यक होने चाहिए, या फिर ऐसा हो कि एनी पर्सन इज़ इन पोजिशन ऑफ एनी मनी, किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई मनी है, कोई बुलियन है, कोई ज्वेलरी है या कोई अन्य कोई मूल्यवान वस्तु है, और सच बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल थिंग रिप्रेजेंट्स आइदर होली और पार्शली इनकम और प्रॉपर्टी विच हैज़ नॉट बीन और वुड नॉट बी डिस्क्लोज फॉर द पर्पजेज ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, और उसने क्या करा है उसके, या तो उसने उस पूरी मनी उस पूरी संपत्ति के बारे में सूचना नहीं दी है, या फिर उसके किसी पार्ट के बारे में सूचना उसने छिपाई है, सूचना का प्रकटीकरण उसने नहीं किया है, तो ऐसे में इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, उसके पास पावर टू सर्च होता है, वो तलाशी और अभिग्रहण कर सकती है। अब अगर ऐसी कंडीशंस अराइज होती है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा उसके बारे में देखिए। अब ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर सकता है, देन ऑथराइज्ड ऑफिसर एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग प्लेस वेजल व्हीकल और एयरक्राफ्ट वेयर ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट दैट सच बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स आर कैप्ट, यानी कि अब ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, उनको सर्च करेगा, मतलब उनको तलाशी में तो जाएगा, और अगर वो तलाशी में कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई प्लेस हो, कोई व्हीकल हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कहीं भी वो प्रवेश कर सकेगा जहाँ पर उसको ये संदेह करने का कारण हो कि वो लेखा पुस्तकें जो आवश्यक हैं या वो दस्तावेज जो छिपाए गए हैं, जो पैसा छिपाया गया है, जो संपत्ति छिपाई गई है, जो ज्वेलरी छिपाई गई है या अन्य कोई मूल्यवान वस्तुएँ छिपाई गई है, वो वहाँ पर होना संभावित हो, तो वो वहाँ पर जाएगा, एंटर एंड सर्च करेगा। सेकेंड वो क्या करेगा, ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर बॉक्स लॉकर सेफ अलमीरा एट्सेट्रा वेयर द कीज़ आर नॉट अवेलेबल, अगर चाबी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो ताले वगैरह उनको तोड़ सकता है, लॉकर वगैरह को खोल सकता है, ठीक है, ब्रेक कर सकता है। थर्ड इज सर्च एनी पर्सन हु हैज़ गॉट आउट ऑफ और इज इन द बिल्डिंग प्लेस वेजल व्हीकल और एयरक्राफ्ट विच इज़ बींग सर्च्ड, अगर तलाशी के दौरान उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उस पर्टिकुलर जगह पे से जहाँ पर वो ऑथराइज्ड ऑफिसर गया है वहाँ से अगर वो निकलता है तो वो उस व्यक्ति का की भी तलाशी ले सकता है। डी रिक्वायर एनी पर्सन हु इज़ फाउंड टू बी इन पोजिशन और कंट्रोल ऑफ एनी बुक्स और अकाउंट, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पोजिशन में कोई किताबें मतलब जो भी सॉरी लेखा पुस्तकें हैं या कोई दस्तावेज है, ठीक है ना, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, टू अफोर्ड द ऑथराइज्ड ऑफिसर द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट, उस व्यक्ति ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है वो उस ऑफिसर को जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए उन सबके बारे में, ठीक है। अब ऑथराइज्ड ऑफिसर और आगे क्या कर सकता है, ऑफिसर सीज एनी सच बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स और असेट्स फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सर्च, ऐसी तलाशी में प्राप्त जो भी लेखा पुस्तकें हैं, दस्तावेज है, संपत्तियाँ हैं, उन सबको वो अभिग्रहित कर सकता है, सीज कर सकता है, ठीक है। एफ प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो जो है वो चिन्हित कर सकता है, ठीक है ना, उन पर आइडेंटिफिकेशन उनको चिन्हित कर सकता है अलग से लेखा पुस्तकों को और उन डॉक्यूमेंट्स को और उनकी कॉपीज मतलब उनकी प्रतिलिपि अभी वो अपने साथ में ले सकता है। नेक्स्ट जी मेक अ नोट और एनी इन्वेंट्री ऑफ एनी सच मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग विच इज़ रिसीव्ड, है ना, अगर मान लीजिए वहाँ पर उस सर्च के दौरान किसी प्रकार का कोई पैसा संपत्ति ज्वेलरी आदि जो उसको मिली है उनके ऊपर वो कोई उसके संबंध में वो कोई टिप्पणी भी लिख सकता है, एक नोट बना सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबाव, देखिए इन सब के अलावा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इन सब के अलावा द ऑथोराइज ऑफिसर में
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी बुक्स और अकाउंट्स और असेट्स, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति का शपथ पर साक्ष्य भी ले सकता है जो कि इस तलाशी के दौरान जिसके पास में ऐसी अकाउंट्स बुक्स या ऐसी संपत्ति पाई गई। एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन, और इस व्यक्ति के द्वारा जो शपथ पत्र जो शपथ पर जो साक्ष्य लिया जाएगा वो जो है वो कब काम आएगा, ड्यूरिंग सच एग्जामिनेशन में देर आफ्टर बी यूज इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ऐसा जो स्टेटमेंट लिया जाएगा उस व्यक्ति का इस एग्जामिनेशन के दौरान इस परीक्षण के दौरान वो बाद में इस अधिनियम के तहत जो है एविडेंस के रूप में काम लिया जा सकेगा। ठीक है, थर्ड पावर जो है ऑथोरिटीज़ की वो है प्रिजम्पशंस। हमने दो पावर्स के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे प्रिजम्पशंस के बारे में, यानी कि अनुमान के बारे में। अब देखिए क्या क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या मान कर चलेगी मतलब। तो ये मेनली तीन पॉइंट्स यहाँ पर है, सेक्शन 132(4)(a) जिसके बारे में बात करता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये मानेगी कि सच बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल थिंग्स बिलोंग टू सच पर्सन, मतलब वो उस एसएससी की है जिसके पास से वो मिली है, जिस एसएससी के यहाँ वो मिली है वो उसी व्यक्ति की है जिससे वो संबंधित है। तो ये मान के चलेगी, ये प्रिज्यूम करके चलेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी। बी, द कंटेंट्स ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू। उसके अलावा ये भी अथॉरिटी मान कर चलेगी कि जो कंटेंट है उन बुक्स में, जो लेखा पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, जो दस्तावेजों में जो लिखा हुआ है वो सभी क्या है, ट्रू है, सच है। सी, आगे ये मानकर चलेगी, द सिग्नेचर एंड इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड दैट इट वॉज ड्यूली साइंड स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय हुम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन सो, यानी कि उन दस्तावेजों में जो हस्ताक्षर है वो उसी व्यक्ति के हैं जो उसको हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है, या अगर मान लो वो दस्तावेज ऐसे हैं जिनको कि स्टैम्प किया जाना है, एग्जीक्यूट किया जाना है या अटेस्टेड किया जाना है, तो वो ड्यूली स्टैम्प्ड है, अच्छे तरीके से स्टैम्प किए हुए हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट किए हुए हैं और सही तरीके से ही वो अटेस्टेड किए हुए हैं उस व्यक्ति के द्वारा जो ऐसा करने का अधिकार रखता है। तो ये सब प्रिजम्पशंस जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी मान कर चलेगी, प्रिज्यूम करके चलेगी। ठीक है, ये हुई तीन पावर्स। फोर्थ पावर इज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द असेट सीज्ड, सेक्शन 132(b). ये बताते हैं कि अब जो अभिग्रहित करी हुई जो संपत्ति है, यानी कि सीज्ड करी हुई जो संपत्ति है, उसका अनुप्रयोग करने का तरीका। अब उस सीज करी हुई संपत्ति का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, जिसके बारे में बताता है सेक्शन 132(b). ये कहता है कि द असेट्स रिटेन्ड शैल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी and the amount of liability determined on completion of the regular assessment or reassessment, यानी कि जो संपत्तियाँ retain करके रखी गई हैं, देखिए मैं समझाती हूँ आपको, जो संपत्तियाँ retain करके रखी गई हैं मतलब जो seize कर ली income tax authority ने अपने पास रख ली, उन संपत्तियों से अब क्या करेगा, दायित्वों को चुकाया जाएगा, यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे किया जाएगा। और टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करेगा, यहाँ लाइबिलिटी से मतलब है हमारा टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड की जाएगी रेगुलर असेसमेंट और रीअसेसमेंट के द्वारा, यानी कि जो असेसमेंट किया गया, यानी कि निर्धारित की जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाली गई है उसको उसके द्वारा उसकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बचती है वो उसकी असेट्स में से एडजस्ट कर ली जाएगी। अब देखिए, इफ असेट्स कंसिस्ट ऑफ मनी, सच मनी शैल बी सो अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अगर मान लीजिए संपत्ति के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है तो वो भी उसके दायित्वों के उन्मोचन के लिए काम आएगा, उससे भी उसके दायित्व चुकाए जाएंगे, टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज की जाएगी। अब अगर असेट्स अदर देन मनी, अगर मान लीजिए संपत्ति मनी के अलावा है, आर रिटेन्ड, सच असेट्स मे बी सोल्ड एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट, अगर मान लीजिए मनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मनी नहीं है और कोई वस्तु रिटेन की गई है, वस्तु को सीज किया गया है, तो ऐसी वस्तु को बेचा जाएगा और इस अधिनियम के जो है शेड्यूल सेकंड में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। क्लियर, देखिए द बुक्स, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर जो लिखी है आप देख पा रहे हैं, द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सीज्ड शैल नॉट बी रिटेन्ड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज। देखिए जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर इस तरह से बुक्स और डॉक्यूमेंट सीज करता है वो 30 दिन से ज़्यादा अवधि के लिए अपने पास उनको नहीं रख सकता रिटेन करके, अनलेस रीजंस आर रिकॉर्डेड, जब तक कि वो कारण नहीं बताता कि वो 30 दिन से ज़्यादा क्यों रिटेन करके रखना चाहता है।
एंड द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर फॉर सच डिटेंशन इज ऑब्टेंड। और इसके साथ एक तो देखिए उसको अगर 30 दिन से ज़्यादा अवधि के लिए वैसे तो वो रोक नहीं सकता उन डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स बुक्स को, लेकिन अगर वो 30 दिन से ज़्यादा रोकना चाहता है तो उसको रीजंस बताने होंगे और उसके साथ ही साथ उसको अनुमोदन भी चाहिए इनमें से किसी का, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का या फिर चीफ कमिश्नर का या फिर कमिश्नर का, ठीक है। फिफ्थ पावर इज, अब पांचवी पावर हम पढ़ रहे हैं इनकी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की, जो है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में सेक्शन 133 बात करता है, सूचनाएँ एकत्रित करने का अधिकार, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी सूचनाएँ एकत्रित कर सकती है किसी भी संबंधित व्यक्ति से जहाँ उनको लगे कि हाँ इस व्यक्ति से सूचना एकत्रित करना सही है प्रोसीडिंग्स के लिए या प्रोसीडिंग्स के लिए सहायक होगा। तो सेक्शन 133 कहता है इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी यूजफुल, जहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी को उपयोगी लगता है वो किसी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। फोर, और रिलेवेंट टू एनी इंक्वायरी, या वो इंक्वायरी से संबंधित है, जांच से संबंधित है, और इन कनेक्शन विद एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स बाय द असेसिंग ऑफिसर, और असेसिंग ऑफिसर जो मामला देख रहा है, जो उसके समक्ष पेंडिंग है, उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट पावर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर, सर्वे। सर्वे मतलब सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण करने की पावर जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, वो बता रखी है आपकी सेक्शन 133A में, 133 क। देखिए इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सर्वे की पावर के तहत इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है, तो देखिए फर्स्ट है एन इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसके पास प्राधिकार है और असाइंड विद ज्यूरिसडिक्शन या जिसको प्राधिकार दिया गया है, मे एंटर एनी प्लेस, वो किसी भी स्थान पर एंटर कर सकती है, जा सकती है, प्रवेश कर सकती है विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइंड टू हिम, यानी कि उस क्षेत्र में ही जा सकती है वो भी जो एरिया उसको दिया गया है, जितना क्षेत्र उसको बताया गया है, और एनी प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन वेयर अ बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, या फिर ऐसे स्थान पर भी जा सकती है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना व्यापार या पेशा करता है। अब देखिए ऑन एंटरिंग सच प्लेस ही कैन रिक्वायर द फॉलोइंग, जैसे ही वो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस प्लेस पर जाती है तो देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या बातें आवश्यक है, टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए जो निर्धारित है, जो असेसी है, जो करदाता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो ऐसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को आवश्यक जो भी उसको दस्तावेज है, लेखा पुस्तकें हैं जो वो आवश्यक रूप से इंस्पेक्ट करना चाहता है, निरीक्षण जिनका वो करना चाह रहा है, वो लेखा पुस्तकें, वो दस्तावेज जो हैं वो उस अथॉरिटी को उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स फाउंड, यानी कि वो उस अथॉरिटी को जो भी, अगर मान लीजिए वो कैश वेरीफाई करना चाह रही है, स्टॉक देखना चाह रही है, अन्य कोई मूल्यवान वस्तुएं देखना चाह रहे हैं, तो वो भी उनको दिखाएं, ठीक है। वो उसके बारे में भी करदाता उनकी सहायता करें इनकम टैक्स अथॉरिटी की। सी, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक रूप से जो जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है तो करदाता की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको सभी आवश्यक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाए। अब देखिए ये तो हो गई करदाता की, यानी एसएससी की जो है वो उसकी जिम्मेदारी। अब हम देखते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां इनकम टैक्स अथॉरिटी की भी होती है जो उस प्लेस में एंटर कर रही हैं। अब उनकी क्या जिम्मेदारी है कि एन इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर ओनली ड्यूरिंग आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन। देखिए वो प्लेस जब खुला हो, यानी कि जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो आपका जो काम का जो समय है उस समय ही वो वहाँ पर जाए, एंड ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, यानी कि सनराइज के बाद जाए और सूर्यास्त से पहले जाए, ऐसे समय में ही जाए जब वहाँ काम हो रहा हो, है ना, कार्य के घंटों के दौरान ही जाए। एंड ITO यानी कि इनकम टैक्स जो ऑफिसर है प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो टेक द कॉपीज देयर ऑफ, यानी कि वो जो है उन लेखा पुस्तकों पर, दस्तावेजों पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं, पहचान चिन्ह लगा सकते हैं और उनकी जो है प्रतिलिपियां भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। फोर्थ, एनी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम कैन बी इम्पाउंड एंड रिटेन इन हिज कस्टडी इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है या इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो अपने साथ में उन आवश्यक दस्तावेजों को भी या उन आवश्यक पुस्तकों, लेखा पुस्तकों को भी अपने साथ में ले जा सकता है, रिटेन करके रख सकता है, मतलब अपनी अभिरक्षा में ले सकता है, ठीक है। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश, स्टॉक और वैल्यूएबल आर्टिकल एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, इसके साथ ही जो है वो
इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है, किसी कैश के संबंध में कुछ जो मिला हो उसको, कोई स्टॉक मिला हो, कोई अदर कोई मूल्यवान वस्तु मिली हो उसके संबंध में कोई टिप्पणी या कोई नोट भी बना सकती है, और इसके साथ ही जो भी अन्य व्यक्ति हैं जिसको आवश्यक समझे वो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी कर सकती है। नेक्स्ट, पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के रजिस्टर्स का निरीक्षण वो कर सकती है, जो पावर उसको सेक्शन 134 में दी गई है। नेक्स्ट इज पावर टू मेक इंक्वायरी, पूछताछ करने की शक्ति, जितना आवश्यक हो उतना भी, वो जितना संबंधित मामले में ज़रूरी हो, सेक्शन 135 इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर देता है कि वो पूछताछ करने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग्स बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 136 कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा वो कैसी होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। 136 सेज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बिफोर एन इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड, वो क्या मानी जाएगी, टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक न्यायिक प्रक्रिया वो मानी जाएगी, न्यायिक प्रोसीडिंग मानी जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228, ठीक है, एंड फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द आईपीसी ऑल्सो, एंड एवरी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट, हर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो अपने आप में सिविल न्यायालय माना जाएगा फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 195, ठीक है, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 16 ऑफ द सीआरपीसी 1973, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो प्रोसीडिंग्स जो होगी इनकम टैक्स अथॉरिटी के समक्ष वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी, ठीक है, ये हमने देख लिया, यस, है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड एवरी इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू ए सिविल कोर्ट, टू बी ए सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट माना जाएगा किसके लिए, सेक्शन 195 के पर्पज़ के लिए, लेकिन वो सीआरपीसी में जो है चैप्टर 16 के पर्पज़ के लिए ऐसा कोर्ट नहीं माना जाएगा, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग असेसीज, यानी कि जो आपके निर्धारित हैं जो असेसीज हैं उनकी सूचना का प्रकटीकरण करने संबंधी शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर द बोर्ड और एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी मे बी जनरल और स्पेशल ऑर्डर, देखिए बोर्ड से यहाँ मतलब हमारा सीबीडीटी, या तो सीबीडीटी या फिर अन्य जो आयकर प्राधिकारी है वो किसी सामान्य और विशेष ऑर्डर के द्वारा फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन असेसी टू एनी अदर ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी लॉ। देखिए जो सीबीडीटी है या जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है किसी विशेष या स्पेशल आदेश के द्वारा, जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा असेसी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी अन्य ऑफिसर या अन्य अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी को विधि के तहत उपलब्ध करवा सकेगी, यानी कि वो उनकी सूचनाओं को प्रकट कर सकेगी, ऐसा अधिकार 138 सीबीडीटी को भी देता है और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी देता है, ठीक है। The decision of such authority in this regard shall be final and shall not be called in the question in any court of law। यानी कि अब सूचनाओं का डिस्क्लोजर करना है कि नहीं करना है, इससे संबंधित जो निर्णय है वो CBDT का या जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उसका निर्णय जो है वो फाइनल होगा और उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट मेनली प्रोविजंस देख लिए हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी से संबंधित और विशेषकर सीबीडीटी से संबंधित भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोविज़न इसका बचा है जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से दो वीडियोज़ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।